from deep. विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, कैबिनेट में मेरे अभिन्न सहयोगीगण श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्रीमती माननीय सांसद कौशल किशोर जी, लखनऊ के हमारे सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारीगण, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण श्री संजय अग्रवाल जी और उपस्थित भाइयों बहनों, माननीय गृह मंत्री जी के गढ़कमलों से लखनऊ के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं का भी यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण संपन्न हुआ। साथ ही साथ प्रदेश के उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के गांव और मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आप सभी नागरिकों को और साथ ही साथ प्रदेश के उन सभी प्रतिभाशाली छात्रों को जिनके गांवों को जोड़ने और जिनके मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़क का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाई बहनों, आप सब जानते हैं कि 19 मार्च 2017 को जब हम लोगों ने प्रदेश की सरकार का दायित्व संभाला, साथ ही साथ प्रदेश के उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के गांव और मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आप सभी नागरिकों को और साथ ही साथ प्रदेश के उन सभी प्रतिभाशाली छात्रों को जिनके गांवों को जोड़ने और जिनके मोहल्लों को जोड़ने वाली सड़क का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि 19 मार्च 2017 को जब हम लोगों ने प्रदेश की सरकार का दायित्व संभाला था, उस समय प्रदेश के अंदर 1,23,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढों में बदली थी। प्रदेश की पहचान गड्ढा युक्त सड़कों के कारण था। प्रदेश में या तो सड़कें गड्ढों में बदली थी या फिर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की दुर्व्यवस्था के कारण अंधेरा छाया हुआ था या गुंडागर्दी, अराजकता और दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान थी। आज आप सबके स्वेच्छा से, आप सबके सहयोग से प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने, प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों और सड़कों के नवीनीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने,
और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की दुर्व्यवस्था को समाप्त करके एक समान विद्युत वितरण की व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के साथ साथ हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। माननीय गृह मंत्री जी ने यहां विस्तार से इन सभी परियोजनाओं के बारे में बताया कि लखनऊ, हम सब की इच्छा है कि देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ देश के सबसे बड़े, सबसे सुंदर, सबसे व्यवस्थित शहर के रूप में लखनऊ की पहचान बने। और इसके लिए भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी तो अपना पूरा योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन हम सब इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि राजधानी के विकास के लिए मंच पर बैठे हुए हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद और विधायकगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, प्रदेश सरकार इनके पूरे प्रयास के साथ अपने आप को जोड़ती है और राजधानी के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। हम सब इस बात को जानते हैं कि वास्तव में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है राजधानी के अंदर विकास की योजनाओं की दिशा से, जहां उसको एक एक करके अमली जामा पहनाने का प्रयास हो रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वह सड़कों का हो, चाहे वह मेट्रो के विस्तारीकरण का हो, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत लखनऊ का विकास कैसे एक विश्वस्तरीय सिटी के रूप में हम लखनऊ को आगे बढ़ा सकते हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाने की बात हो, या फिर प्रदेश के अंदर चलने वाली विकास की योजनाओं का कोई तुलना नहीं। 15 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुप्रेरणा से, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य करके दिखाया है, वह सपा बसपा के 5-5 वर्ष के कार्य पर भारी पड़ेगा। और तुलनात्मक अध्ययन करके हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने केवल सड़कों का एक छोटा सा संकेत आपके सामने किया कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर 5 वर्ष में 30,994 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण समाजवादी पार्टी की सरकार में होता है और मात्र 15 महीनों में 54,277 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का कार्य हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर किया। भाइयों बहनों, अगर आप देखेंगे कि पिछली सरकार के समय मात्र 2,750 बसावटों में सड़कों के संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य हो पाया था और अब तक 15 महीनों में 5,700 से अधिक बसावटों को हमने मुख्य मार्ग के साथ, सड़कों और संपर्क मार्गों के साथ जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। अगर आप प्रदेश के अंदर राजमार्गों के निर्माण की बात देखेंगे तो हम लोगों ने इसमें एक लंबी छलांग लगाने का कार्य किया है। एक विस्तृत रूप से हम लोगों ने इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुझे लगता है कि वह प्रदेश की दिशा से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजमार्ग, आदरणीय गृह मंत्री जी केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग के मंत्री रह चुके हैं, राजमार्गों ने इस देश के विकास को एक नई गति प्रदान की है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से देश के उत्तर को दक्षिण से और पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का हो, या इस देश के अंदर 4 लेन 6 लेन 8 लेन 12 लेन के राजमार्गों के निर्माण का हो, ग्रामीण सड़कों में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का हो। आदरणीय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 से 2004 तक के अपने 6 वर्ष के उस कार्यकाल के दौरान
इस देश के अंदर बुनियादी ढांचागत विकास के लिए जो एक नींव रखी थी, आज उसी से अनुप्रेरित होकर के हमारी सरकार ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आजादी के बाद से अब तक मात्र 6,600 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो पाया था। हम लोगों ने इसे बढ़ा करके 15 महीनों में 11,110 किलोमीटर तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जितने भी प्रदेश के वे मार्ग जो इंटरनेशनल हो या इंटरस्टेट हो, उनको जोड़ते हैं, इन सब के लिए भी हम लोग लगभग 1,350 करोड़ रुपए अमुक्त करके उनको 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। प्रदेश के अंदर केंद्रीय राजमार्गों के निर्माण में 117 ऐसे मार्गों में, जिसमें 1,828 किलोमीटर के राजमार्ग हैं, 1,828 किलोमीटर के मार्ग हैं, उन सब के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। तो साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उपाध्याय योजना के अंतर्गत तहसीलों को और विकास खंडों को भी 2 लेन की सड़कों से जोड़ने के लिए, ऐसे 26 तहसील और 81 विकास खंडों के लिए भी 1,563 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर कार्य वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हो रहा है। क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य है, ये प्रदेश के विकास की धुरी बनेगी। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ निवेश होना प्रारंभ हुआ है। आज लोगों को निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा, और निवेश की दूसरी शर्त है आम व्यापारी को, निवेशक को सुविधा मिले, उन्हें अच्छी सड़क मिले, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति वहां पर हो सके, और साथ साथ लाल फीता शाही की अनावश्यक दखलंदाजी उनके किसी भी निवेश में बाधा न बने, और उसको सफलतापूर्वक 15 महीनों के अंदर हम लोगों ने करने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पर इन सभी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न हुआ है। लखनऊ के लिए वास्तव में विकास की जो ये सौगात है, यह सरदेव अटल जी के द्वारा शहीद पथ के निर्माण के बाद सबसे बड़ी सौगात लखनऊ के लिए मानी जा सकती है, जहां पर एलिवेटेड वे के माध्यम से हम अनावश्यक जाम से बच पाएंगे और स्मार्ट सिटी के साथ एक विश्वस्तरीय शहर बनने की दिशा में एक बड़ी महत्वपूर्ण छलांग यह होगी। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही साथ लखनऊ के विकास के साथ साथ प्रदेश के इन मेधावी छात्र छात्राओं के बारे में, जिनके मार्ग गांवों को और मोहल्लों को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, उन सभी अपने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के नाम उन शिलापटों पर अंकित किए गए हैं, और मैं विश्वास करूंगा मार्ग को यथा समय बनाने के साथ साथ ये सभी छात्र छात्राएं अपने गांव के उस मार्ग का लोकार्पण करने का कार्य भी करेंगे, जिससे आने वाले समय में अन्य लोगों को हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। एक बार पुनः मैं आज आप सभी लखनऊ वासियों को इन सभी राजमार्गों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अपने माननीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण जो मंच पर बैठे हुए हैं, इन सबको हृदय से साधुवाद देता हूं कि विकास के लिए जो उनकी उत्कंठा है और जो प्रयास है वह सराहनीय है, और मुझे विश्वास है कि लखनऊ और प्रदेश के विकास के लिए इन सब का ये सकारात्मक सहयोग इसी निरंतरता के साथ मिलता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से अपनी बात रखी, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों का और मुख्य तौर पर लखनऊ के सांसद होने के नाते गृहमंत्री राजनाथ सिंह का भी हृदय से
आभार व्यक्त किया। सेतु निगम निर्मित प्रस्तावित सेतुओं का लोकार्पण किया गया। 909 करोड़ की परियोजना लखनऊ मंडल को मिलने जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग में परियोजना बची। माननीय गृह मंत्री का आभार, जिन्होंने सपना देखा पिछले 5 साल में, जब 500 मीटर से एलिवेटेड रोड बनी थी, 6 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड बनाना। और ये मैं बताना चाहूंगा आप सबको, सर माननीय गृह मंत्री जी भी हैं, माननीय सांसद जी के रूप में इन एलिवेटेड रोड के लिए